हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यार आज सुबह मेरे को किसी ने मैसेज किया कि 30 जून के पेपर के हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जुलाई अटेम्प्ट किया है ना। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बात कर रहा है बच्चा। फिर मैंने थोड़ा सा देखा तो आई फाउंड दैट और भी बच्चे ऐसे हैं जो 30 जून के पेपर के बेसिस पे आने वाले जुलाई अटेम्प्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 30 जून का जो पेपर हुआ था वो उन बच्चों के लिए हुआ था जो मतलब 24 से 29 के शिफ्ट में, जिनके सर्वर में कुछ इश्यू आ गया था, तो कुछ लोगों का रीटेस्ट लिया गया था 30 जून में। ठीक है, तो ये पहले बच्चों ने बताया भी था। तो अब वो शायद पेपर जो है वो कंपैरेटिवली ईजियर है। ठीक है, कंपैरेटिवली ईजियर पेपर है। अब ईजियर इन द सेंस कि लेंथी कम है। ठीक है, तो वहाँ से ये प्रेडिक्ट करना कि जुलाई का पेपर भी कम लेंथी आएगा या जुलाई का पेपर भी इजी साइड पे रहेगा, तो मेरे को थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। अब आप ये देखिए कि वो एक अटेम्प्ट का पेपर है ना, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कुछ अटेम्प्ट थे वो बहुत ही आसान आए थे। ठीक है, दे वर वेरी वेरी इजी। तो कई बार पेपर जो है कंपैरेटिवली इजियर साइड पे बन जाता है। अब दो पेपर्स का कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली एक पेपर डिफिकल्ट और एक ईजी लगेगा ही लगेगा, है ना। चार पेपर का कंपैरिजन करेंगे तो एक पेपर होगा जो सबसे डिफिकल्ट लगेगा और एक पेपर होगा जो सबसे ईजी लगेगा। तो कंपैरिजन में कोई ना कोई तो जीतेगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल का तो पेपर बन नहीं पाता हर बार। बट मेजॉरिटी का तो पेपर जिस बार जो देखे गए हैं वो लेंथियर साइड में। ठीक है, तो आप ये अगर मान के चलते हैं कि जुलाई अटेम्प्ट के पेपर भी वैसे ही ईजियर साइड पे आ जाएंगे जैसे वो लास्ट 30 जून का पेपर था, और हम बहुत हाई अटेम्प्ट कर लेंगे, हो सकता हो जाए, लेकिन ऐसा कोई श्योर शॉट प्रिडिक्शन तो नहीं किया जा सकता। मेरी एडवाइस यही है कि भाई आप पेपर को देखिएगा, ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा। जैसे आप राउंड लगाएंगे ना, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी आपको पता ही है, 45 45 45 या 30 45 45 उस कॉम्बिनेशन में चलेंगे, तो तब तक आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा है ना? अगर आपको लगे कि पेपर लेंथियर साइड में है तो ट्राई टू फिनिश एज मच क्वेश्चंस कंप्लीटली, है ना। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी करने के बजाय एक क्वेश्चन की डेप्थ में जाके उसको ख़त्म कर देना। क्योंकि इस बार कई बच्चों के साथ हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन शुरू कर लिए लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नंबर कहीं के किसी के 10 रह गए तो किसी के 15। तो ये मत करिएगा। मैं आपको याद दिला दूं, मैथ्स में 11 नंबर पे 82% आया एक शिफ्ट में 11 नंबर पे। तो आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ वही हुआ, क्योंकि हम बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्चुअल में उतना हाई रिजल्ट जो है वो बन नहीं पाया, उतने नंबर निकल नहीं पाए, क्योंकि पेपर लेंथियर साइड में था। ठीक है, तो पेपर मुश्किल कभी नहीं होगा, पेपर होगा तो आसान ही होगा, वेल विद इन द सिलेबस। कभी कभी लेंथियर साइड में कुछ शिफ्ट्स या कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट फिर भी आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेगा, बिकॉज इन दी एंड रिजल्ट जो है वो रिलेटिव बनेगा। ठीक है, तो अगर आपकी शिफ्ट लेंदी आ भी जाती है तो आपको बस आपके साथियों से बेहतर करना है। तो प्लीज़ एक प्री मेडिटेटेड माइंड के साथ मत जाइएगा कि पेपर आसान ही आएगा, मेरे को 250 का ही अटेम्प्ट करना, हो सकता आ जाए, हम तो उम्मीद करते हैं कि आ जाए। ठीक है, जैसा पेपर आप चाहते हैं वैसा ही आ जाए, जो जो आपने पढ़ा है वही आ जाए, आपका बहुत बढ़िया रैंक आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं और यही प्रे भी करते हैं। लेकिन प्री मेडिटेशन के साथ मत जाइएगा, ऐसा ना हो कि पेपर आप कुछ सोच के जाए और पेपर कुछ और आ जाए और वहाँ पे आप बौखला जाए, वैसा मत करिएगा। बस इस वीडियो को बनाने का यही छोटा सा पर्पस है, पढ़ाई करते रहे, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इस उम्मीद के साथ आई विश यू वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।